की हो। अरे विराट भैया, इतना काहे खातिर जल्दी आने हो मारे खातिर? एक आईपीएल तो हारे हो, दूसरे में जीत जाइ हो। अरे नहीं रोहित भैया, अब हमका ना रोको, अब हम मर जाबे। तुम्हार भाभी कहे लगी कि हम नहीं खेल पाई। हेलो दोस्तों, अगर आप इस तरह फनी वीडियो बनाना चाहते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर डालने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप सभी को मग लैब ऐप के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों आप इस तरह फनी वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल आसान तरीके से मग लैब ऐप के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले मग लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर ओपन कीजिए, उसके बाद सर्च बार में आपको मग आपको यहां पर लिखना होगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने मग लाइव ऐप ओपन हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया, इसलिए आप मैं इसको ओपन करता हूं। इसको ओपन कीजिएगा तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा तो उसके बाद आपका यहां पर मग लाइव ऐप ओपन हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस होता है मग लाइव ऐप का। यहां पर नीचे साइड में कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, फीचर का, ट्रेंडिंग का, यहां पर कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहां पर ट्रेंडिंग में देख सकते हैं यहां पर जितने भी वीडियो यहां पर ट्रेंड पे चल रहे हैं यहां पर दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर सेकंड फीचर है मग लाइव माई ऐप है। यहां पर माई ऐप में ये होता है कि दोस्तों आपको जो भी वीडियो यहां पर आपने बनाया यहां पर आपकी ही वीडियो दिखाई देगी। उसके बाद आप ऊपर साइड में दोस्तों देख सकते हैं कैमरा का निशान है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर आपको कैमरे से वीडियो बनाना चाहते हो तो आप कैमरे पर क्लिक कीजिएगा, अगर आपको गैलरी से वीडियो बनाना चाहते हो तो आप गैलरी पर क्लिक कीजिए। मैं गैलरी पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको एल्बम पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एल्बम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना आप वीडियो ले लीजिएगा, यानी बैकग्राउंड ले लीजिएगा। मैंने बैकग्राउंड ले लिया, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे साइड में कई सारे ऑप्शन है। क्रिएट के बगल में देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे एनिमेशन आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं बल्ला वाला सबसे फेमस यही एनिमेशन है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बम वाला है, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको एनिमेशन मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई एनिमेशन नहीं मिलता तो आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए मुझे बल्ला वाला नहीं मिला तो यहाँ पर ऊपर साइड में बल्ला मैं सर्च करूँगा, यही सर्च बार है, यहाँ से आप सर्च कीजिएगा कोई भी एनिमेशन तो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बल्ला वाला सर्च किया तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों थोड़ी देर बफरिंग हो, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बल्ला वाला ऑप्शन कई सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी भी इमेज पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एनिमेशन बल्ला वाला आपके इमेज पर लग जाएगा। अगर आपको दोस्तों बिना टेक्स्ट वाला एनिमेशन चाहिए तो आपको सर्च बार में नो टेक्स्ट लिखना होगा, उसके बाद सर्च कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर बिना टेक्स्ट वाला एनिमेशन आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर साइड में इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिना एनिमेशन वाला, बिना टेक्स्ट वाला दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एनिमेशन लगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये एनिमेशन बिना टेक्स्ट वाला है। उसके बाद अगर आप अपनी वीडियो को इसी ऐप पर अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड का ऑप्शन उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर पब्लिक कर आप सेव कर दीजिएगा तो आपका जो एनिमेशन है इसी ऐप पर अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपने वीडियो का गैलरी में कैसे सेव करें, तो ऊपर साइड में देख सकते शेयर है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों वीडियो लिव पर ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो वीडियो है ये जाकर अपने गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देख मिल जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो लूप पर ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो वीडियो है वो सही से सेव हो जाएगा गैलरी में। तो दोस्तों अगर आपको फनी वीडियो बनाना नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ उस वीडियो को, उसको जाकर आप देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से उस वीडियो में बताया है कि फनी वीडियो कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हो आपको एक नई वीडियो में।